कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोल्ड के लिए भिड़ेंगी दो टीमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने पहले सेमीफाइनल मैच में हराया इंग्लैंड को बाय 4 रन, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड सेमीफाइनल मैच में हराया न्यूजीलैंड को बाय 5 विकेट। तो कौन लाएगा चांदी, कौन लाएगा सोना, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अभी मैं आपके लिए लेकर आया MSP, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे दोनों टीम्स का, और माइंड ब्लोइंग अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आपका जो मैच देखने का मजा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। Both the teams have faced each other in 24 T20 matches so far. 17 times जीता है ऑस्ट्रेलिया, 6 times जीता है इंडिया और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा। अब देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा इंग्लैंड में, जहां पर ये फाइनल मैच खेला जाएगा। तो दो बार हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। मैच खेला जाएगा वेस्टर्न में, यहाँ की पिच बैटर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। वही अगर बात करें बॉलिंग की तो पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मैच में आप देखते हैं कौन कौन से प्लेयर्स कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। बेट मूनी रिक्वायर्स 3 रन्स टू कंप्लीट 500 रन्स अगेंस्ट इंडिया इन द T20Is। T20Is में 50 सिक्सेस कंप्लीट करने के लिए मैकलेनिंग को चाहिए 6 सिक्सेस। स्मृति मंधाना रिक्वायर्स 9 फोर्स टू कंप्लीट 300 फोर्स इन द T20Is। स्मृति मंधाना रिक्वायर्स जस्ट 11 रन्स टू कंप्लीट 500 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द T20Is। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, प्लेयर्स बैटल। स्मृति मंधाना वर्सेस मेगन शर्ट। T20Is में मेगन शर्ट ने 4 बार स्मृति मंधाना को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हरमनप्रीत कौर वर्सेस जेस जॉनसन। जेस जॉनसन ने हरमनप्रीत कौर को T20Is में 4 बार पवेलियन भेजा। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मैच में इंडिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है स्मृति मंधाना। 91 मैचेस में इनके नाम है 2186 रन। सेमीफाइनल मैच में वर्सेस इंग्लैंड कमाल की इनिंग्स खेली थी 61 रन की। ये जानी जाती है अच्छी शुरुआत के लिए, तो फाइनल मैच में इनसे उम्मीद होगी अच्छी शुरुआत दिलाएं एंड पेव द वे फॉर द बैटर्स टू कम। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है टाइलर मैकग्रा। 13 मैचेस में इनके नाम है 373 रन। ये जानती है बड़ी इनिंग्स किस तरह खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की जान मानी जाती है। बड़ा मैच है तो बड़े स्टेज पर चमकने का इनके पास बेहतरीन मौका होगा। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। एलिसा हेली बेथ मूनी ओपनिंग, फॉलोड बाय कैप्टन मैकलेनिंग। उनके बाद नंबर आता है टाइलर मैकग्रा का, फिर आएंगे रेचल हेन्स, एशले गार्डनर, ग्रेस हैरिस, जेस जॉनसन, अलाना के, मेगन शर्ट एंड डार्सी ब्राउन। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप सीधा चलते हैं इंडिया की तरफ और देखते हैं इंडिया का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा ओपनिंग, फॉलोड बाय जमीमा रॉड्रिक्स। उनके बाद नंबर आता है कैप्टन हरमनप्रीत कौर का, फिर आएंगे दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, मेघना सिंह, रेणुका सिंह एंड राजेश्वरी गायकवाड। तो गाइस हमने बात की हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल, पिच रिपोर्ट, इतना सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आपने क्या अंदाजा लगाया, आपको क्या लगता है गोल्ड किसके नाम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको MSP पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे है मंदिर आए और घंटी भी न बजाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया ना, तो गाइस वहां पर बहुत सारे अपडेट्स हैं, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।